हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं संगीता, मेरे संगीता की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज आइए, मैं बनाने जा रही हूँ हंडी वाला चिकन। तो दोस्तों बिहार में बहुत मशहूर है हंडी का चिकन, और आज हम भी बनाने जा रहे हैं हंडी वाला चिकन। बहुत टेस्टी बनता है मिट्टी वाले बर्तन में, और आइए आप लोग भी देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, प्याज हमने कट करके रख लिया है बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत पतला हमने काटा है। प्याज को कट करके रख लिया है, लहसुन भी छील लिया है, ये तीन पीस जो हमने दिखाया था आपको वही लहसुन है। और इसको हम खड़ा डालेंगे, इसको हम कूट के नहीं डालेंगे। एक लाल मिर्चा है, अदरक का भी कट कर लिया है हमने। हम इसको दोस्तों बहुत तड़का बहुत बढ़िया बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा पूरा वीडियो पूरा वीडियो। प्याज को हमने साइड में हटा दिया है, और इसको अब हम तड़का के लिए ले लिया है। गरम मसाला है, और एक तेज पत्ता है, और लहसुन है, इस सब का हम तड़का लगाएंगे। और फिर आप देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमने 500 ग्राम चिकन मंगाया है, चिकन आप देख सकते हैं। और इसको हम अभी फ्राई करेंगे, फ्राई करके थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं इसको करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्राई करने से इसका टेस्ट थोड़ा बढ़िया बन जाता है, इसको इसीलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और टेस्टी बन जाएगा ये। मसाला को हम दोस्तों फ्राई कर लेते हैं, भूनने के बाद में थोड़ा सा ये टेस्टी हो जाएगा। और हल्का ही भूनेंगे, थोड़ा सा सोनापन आ जाता है भूनने से, और रेसिपी हमारा अच्छा बनता है। मसाला को हमने भून लिया है, ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, हल्का सा भुना गया है। आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से भून के बनाइएगा, इसका स्वाद अच्छा बनेगा। में हम सरसों का तेल डाल देंगे, चिकन दोस्तों सरसों के तेल में अच्छा लगता है, रिफाइंड में नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे, अब इसमें हम तो तेल हमारा गर्म हो गया है, देख लीजिए तेल को। अब इसमें हम एक एक पीस करके इसको अब हम थोड़ा सा ऊपर इधर घुमा देते हैं, इसको नीचे वाला साइड ऊपर कर देते हैं दोस्तों। देखिए हल्का हल्का हम इसको भून लेंगे, देखिए ये चिकन को फ्राई हमने कर लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ चिकन है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए चिकन मेरा फ्राई हो गया है से। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, तड़का लगाएंगे इसका हंडी में। तो देखिए दोस्तों, हमने हंडी को मंगाया है, सोंधा सोंधा बहुत महक रहा है हंडी, और इसमें हमने तेल को पहले लगा के रख दिया है। और तेल को लगाने के बाद इसको हम एक घंटा पहले ही पोत पात के रख दिए थे तेल को। अब इसमें हम चलते हैं गैस पे रखने, और आप लोग देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो फ्राई हमने चिकन को किया था
उसका तेल हम डाल देते हैं, इधर उधर रखते हैं तो का मतलब है इसी को हम तड़का लगाएंगे इसको। और थोड़ा सा तेल कम है हम इसको भी डाल देते हैं। पूरा तेल हमने डाल लिया है, तेल मेरा गर्म हो रहा है, इसको हम ऐसे हिला देते हैं। हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है, ना तो ज़्यादा हाई है ना तो ज़्यादा कम है, और इसको हम मीडियम साइज गैस को रखे हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम लगाते हैं तड़का। पहले हम डालेंगे तेज पर, फिर हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च, अदरक का टुकड़ा। मसाला को हमने पहले से भून के थोड़ा सा रखा है, आप लोग देख भी किए हैं। हम लहसुन डाल देते हैं, मसाला को थोड़ा सा रुक के डालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। मसाला हमने डाल दिया है, लाल हो गया है, बढ़िया से भुना गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये देखिए प्याज, प्याज को हम डाल के इसको बढ़िया से इसी को चला देते हैं आराम आराम से। तो हम चलाने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके तो हम दोस्तों बढ़िया से ढक देते हैं। तो चलिए देखते हैं प्याज को एक बार चेक कर लेते हैं, प्याज भुना गया कि नहीं, बढ़िया से गला है कि नहीं। दोस्तों हमारे पास अभी ये उसका लकड़ी का नहीं है तो हम इसी से चला लेते हैं इसको। ये देखिए अभी बढ़िया से नहीं भुनाया है, थोड़ा सा और इसको हम गला लेते हैं। गलने के बाद हम चलिए फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं प्याज को, प्याज को चला लेते हैं। ये देखिए प्याज अभी भूरा हो गया है, इसको हम और थोड़ा सा चला लेते हैं बढ़िया से। अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन को, चिकन को डालने के बाद फिर इस तरह हम डाल देते हैं ढक के। इसके लिए हमने लिया था मसाला आधा चम्मच, बड़ा चम्मच से आधा चम्मच हल्दी मिर्चा पाउडर है, इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी भी है, और ये गरम मसाला है, और स्वाद के अनुसार नमक। तो दोस्तों हमने प्याज में भी थोड़ा सा नमक डाला था जो कि मैं नहीं दिखा पाई आपको, हम डाल देते हैं सब मसाला को। मसाला हमने डाल लिया है, अब इसको हम इसको चलाएंगे इसको बढ़िया से मिला देते हैं मसाला को। इसको तो बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों अभी से, तो इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस पानी को हम 100 ग्राम तक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि जितना हमारा मसाला प्याज सब बढ़िया से मिल जाए। इसको हम फिर एक बार और चला लेते हैं, तो हम चला लेते हैं। और
चलाने के बाद इसको हम अच्छे से अब इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको आटा जब रोटी बनाते समय हमने थोड़ा सा आटा बना के बचा लिया था, इसको इसमें चिपकाने के लिए इसका गैस बाहर नहीं जाए, गैस का फ्लेवर कम कर देते हैं, एकदम एकदम मीडियम पे कर देते हैं। 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये रचकर पक रहा है, एकदम 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ दिए हैं एकदम कम फ्लेवर पे। तो तब तक मैं सोची आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा कैसा डिश पसंद है, तो मैं फिर बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। और जुड़े रहिएगा आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फैमिली व दोस्तों या सब रिश्तेदारों में बढ़िया से कपड़ा से यहाँ से। दोस्तों देखिए, एक बार इसको हम ऐसे पकड़ के बढ़िया से इसको ऐसे ऐसे करके हिला लेते हैं, इसको खोलना नहीं है अभी, ताकि ये बराबर से मिल जाए और फिर इसको हम इसी तरह से रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट के लिए और छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम गैस को हमने बंद कर दिया है, इसको हम उतार के यहाँ पर रख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका कैसा है। बढ़िया से पकड़ लिया है, इसको हम चक्कू के सहारा से धीरे धीरे खोल लेते हैं, हटा लेते हैं इसको से। ये देखिए कितना बढ़िया सही निकल गया, चला लेते हैं, बहुत बढ़िया बन गया है। इसको हम निकाल रहे हैं, निकाल के हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये देखिए, प्याज वाज बहुत बढ़िया से निकल गया है, तेल भी छूट गया है, कलर बहुत प्यारा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका सुगंध आ रहा है, सुगंध बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सब बना है। प्यारा कलर आया है, सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम परोस लेते हैं, इसको बढ़िया से हम परोस लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग चेक करके बताइए कि कैसा बनाई हूँ मैं।